फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, डीएफ के कमेंट्स आते हैं और उनमें से कुछ लिखते हैं कि डीएम हमें क्यों भूल जाते हैं, हम तो उन्हें नहीं भूलती। तो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको अपने कुछ प्रश्नों का उत्तर मिल सके। डीएम हमें भूल जाते हैं पर हम उन्हें नहीं भूल सकती, ये कहना है डीएफ का। वास्तव में डीएम की 3D और 5D में जो विचारधारा है वो अलग अलग होती है। 5D में आप दोनों एक होते हैं, पर 3D में जब वो आपको हर्ट करते हैं, ट्रिगर करते हैं, थर्ड पार्टी में चले जाते हैं या आपको इग्नोर करते हैं, तो आपके मन में यही प्रश्न आता है कि हमारा डीएम हमें क्यों भूल गया, हम तो कभी उन्हें भूल नहीं सकते। विशेषकर यदि इस जर्नी में प्रारंभ से लेकर अंत तक यदि ध्यान से देखा जाए तो पता चलेगा कि ये सब कुछ एक ड्रामा है और आप उसके किरदार हैं, और इस पूरे ड्रामे को चलाने वाला कोई और है। एक प्लान के तहत ये ड्रामा चल रहा है, डीएम का आपको इग्नोर करना, थर्ड पार्टी में चला जाना या उनके साथ अलग रास्ते पर निकल जाना। यहाँ पर ये सब कुछ आपकी अवेकनिंग के लिए होती है, क्योंकि जब तक डीएम इस तरह का व्यवहार ना करे, डीएफ कभी जाग नहीं पाएगी। और यहाँ पर डीएम और डीएफ में डीएफ को पहले इस जर्नी के बारे में पता चलता है और पहले उसी की अवेकनिंग होती है। याद करिए कि जब आप अपने ट्विन से मिलते हैं तो क्या स्थिति होती है। आप दोनों अनकंडीशनिंग लव में होते हैं, हर घड़ी हर पल एक दूसरे के लिए उस प्यार को अनुभव करते हैं। एक सेकंड के लिए भी आप एक दूसरे को भूल नहीं पाते, चुंबक की तरह एक दूसरे के लिए खिंचाव होता है। फिर कुछ समय के बाद आपका ट्विन आपसे भागने लगता है, आपको समझ में ही नहीं आता कि वो भाग क्यों रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उनके पीछे भागते हैं वो उतना ही ज़्यादा भागता है। कभी थर्ड पार्टी में, कभी पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड्स है, कभी ये पता चलता है कि अब उनके घर वालों ने उनकी शादी करवा दी। तो ये सारी बातें जो होने लगती है, वास्तव में उनका थर्ड पार्टी में चला जाना या उनकी शादी हो जाना, उनका आपको इग्नोर करना, ये सब कुछ एक ड्रामा ही है, क्योंकि अंत में उन्हें वापस आना ही होता है। जब आप साधना करते हैं, क्योंकि डीएम के द्वारा आपको हर्ट करना, ट्रिगर करना एक कारण है, क्योंकि यदि ये ना हो तो आपकी कभी अवेकनिंग नहीं हो पाएगी और ये ट्विन फ्लेम जर्नी ही नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें सबसे पहले एक सोल की अवेकनिंग करवाई जाती है और वो वही होता है जो दूसरे को चेस कर रहा होता है, यानी कि डीएफ, उसे ही साधना करनी पड़ती है। ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में भी पहले उसी को पता चलता है। यहाँ पर यदि डीएम और डीएफ की बात करें तो दोनों में अंतर ये है कि डीएम हमेशा दिमाग की सुनते हैं, क्योंकि वो लॉजिकल होते हैं, पर डीएफ दिल की सुनती है, क्योंकि यही कहा जाता है कि दिमाग एक बार भूल सकता है लेकिन दिल नहीं भूलता, और डीएफ दिल से ही जुड़ी होती है क्योंकि उसका हार्ट चक्र सक्रिय होता है। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, वो दिल से ज़्यादा काम करती है, इसीलिए दिल का आत्मा से और आत्मा का परमात्मा से संबंध होता है। इसीलिए डीएफ को ईश्वर की बातें, वो सारे साइन एंड सिम्टम्स, डिवाइन मैसेज
उसको बहुत ज़्यादा समझ में आते हैं। एक बार उनके सामने ट्विन फ्लेम जर्नी का वीडियो आ जाए तो फिर वो बार बार उसे सर्च करके पता लगा ही लेती है कि आखिर ये जर्नी क्या है, और उसके बाद खुद पर काम करना शुरू करती है, इनर वर्क करती है, खुद को हील करती है, बैलेंस करती है। और ये सब कुछ वो इसलिए करती है क्योंकि उसे विश्वास होता है, क्योंकि वो दिल से काम करती है, दिल से सुनती है, और ईश्वर जो भी जानकारी उन्हें देते हैं उस पर वो भरोसा करती है। पर इसके विपरीत डीएम दिल से ज़्यादा दिमाग की सुनते हैं, क्योंकि वो तर्क वितर्क करते हैं, हर चीज़ पर उन्हें एक प्रूफ चाहिए। स्पिरिचुअल बातें उन्हें ज़्यादा समझ नहीं आती और न ही ज़्यादा वो उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि 3D की चीज़ों के प्रति उनका आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। मनी, स्टेटस, सर्विस, ये सारी चीज़ें उनको बहुत अट्रैक्ट करती है। उनका कर्मा अकाउंट जो उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और हमेशा वो इसी उधेड़ बुन में रहते हैं कि मैं अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी व्यवस्थाएं कर सकूं, उन्हें एक लग्जरी लाइफ दे सकूं। इस प्रकार की बातों में उनका दिमाग ज़्यादा होता है। इसीलिए डीएम के सामने जब ट्विन फ्लेम जर्नी के वीडियोस आते हैं, वो सारे साइन एंड सिम्टम्स आते हैं जो डिवाइन उन्हें दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो उन पर विश्वास नहीं करते। हालांकि डीएम और डीएफ दोनों को इस जर्नी के बारे में बताया जाता है, डिवाइन स्वयं इनको वो सारी जानकारी देते हैं एंजल्स के माध्यम से, स्पिरिट गाइड्स के माध्यम से, लेकिन डीएफ इसे भली भांति समझ जाती है, लेकिन डीएम इसे समझ नहीं पाते, क्योंकि इनका लॉजिकल माइंड इनकार करता है। विशेषकर जो मैट्रिक्स डीएम होते हैं वो तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, चाहे आप कितनी भी बार इस जर्नी के बारे में उन्हें बता दें। इसीलिए डिवाइन की एक व्यवस्था है, डिवाइन अपने लोगों को यदि किसी बात की जानकारी देना हो तो कई माध्यम से उन तक जानकारी पहुंचाते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप उसे स्वीकार करते हैं या नहीं। डीएफ स्वीकार करती है क्योंकि वो विश्वास करती है, लेकिन डीएम इन बातों पर विश्वास नहीं करते, और इसी वजह से इनकी अवेकनिंग और ज़्यादा पेनफुली होती है। विशेषकर मैट्रिक्स डीएम की अवेकनिंग बहुत पेनफुली होती है। इस जर्नी में पूरा दारोमदार डीएफ के ऊपर होता है, क्योंकि साधना उसी को करनी है। इस जर्नी को पूरा करने के लिए जो उसे टास्क दिया जाता है, चैलेंज दिया जाता है, वो उसे कैसे करती है, यदि वो खुद पर काम करती है, खुद को हील करती है, बैलेंस करती है, कंप्लीट करती है, अपने उद्देश्य से जुड़ती है, तो निश्चित ही उसकी जर्नी पूरी हो जाती है। लेकिन यदि वो ऐसा न कर पाए तो उसके साथ उसके ट्विन की जर्नी भी अधूरी रह जाती है, क्योंकि दोनों में से किसी एक आत्मा का जागृत होना बहुत ज़रूरी है। डीएफ का खुद पर काम करना, अपनी साधना में आगे बढ़ना, ये डीएम के लिए सहायक होता है, क्योंकि डीएफ के अवेकनिंग के बाद अब डीएम की बारी आती है। पर डीएम को ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि डीएफ स्पिरिचुअल होती है, डिवाइन की सारी बातों को समझती है, जानती है, भरोसा करती है। इसीलिए विश्वास और कर्म के द्वारा वो अपनी इस जर्नी को पूरा कर लेती है, लेकिन डीएम हमेशा तर्क वितर्क करते रह जाते हैं, क्योंकि वो दिल की सुनते ही नहीं तो हमेशा दिमाग से काम लेते हैं, और इसी वजह से डिवाइन के द्वारा दिखाई जाने वाली बातें
बार बार वो साइन और सिम्टम्स जो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में उन्हें दिखाए जा रहे होते हैं या उन्हें बताए जा रहे होते हैं, उसके बाद भी उस पर विश्वास नहीं करते और इसके बाद उन पर सताव बढ़ जाता है। और ये दो तरफ से होता है, एक ओर जहाँ कार्मिक्स या कहे कि थर्ड पार्टी उन्हें सताती है, ट्रिगर करती है, वहीं दूसरी ओर डीएफ की ओर से एनर्जी न मिलने की वजह से वो पूरी रीति से हर्ट होते हैं, ट्रिगर होते हैं। और यहाँ पर कुछ डीएम की ऐसी स्थिति होती है कि उनमें सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। डीएम और डीएफ सेम एनर्जी होते हैं, अतः उनके जीवन में होने वाली बातें भी समान होती है। डीएफ यदि डार्क नेट ऑफ द सोल में जाती है तो डीएम भी डार्क नेट ऑफ द सोल में जाते हैं और वहाँ उनकी अवेकनिंग डिवाइन अपनी ओर से करवाते हैं। जहाँ पर डीएम बार बार इस बात का इनकार कर रहे होते हैं उतना ही ज़्यादा उनको हर्ट होना पड़ता है। और ये तब होता है जब डीएफ साधना कर रही हो या अपनी साधना को पूरी कर चुकी हो, क्योंकि जब डीएफ डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल रही होती है, डिवाइन में सोल मर्जिंग हो रही होती है, उस वक्त डीएम डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि डीएफ डीएम को बहुत ज़्यादा याद करती है और बहुत ज़्यादा सोचती है, क्योंकि वो इमोशनल होती है, दिल से ज़्यादा सोचती है। लेकिन वहीं पर डीएम यदि थर्ड पार्टी में चले जाए या किसी कार्मिक के साथ चले जाए तो भले ही कुछ समय के लिए वो डीएफ को इग्नोर करे, भूल जाए, वो इसलिए क्योंकि वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है या उनके प्रति आकर्षित है, लेकिन जब डार्क नाइट ऑफ द सोल में वो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा अपनी डीएफ को याद करते हैं, क्योंकि यहीं पर उनकी अवेकनिंग होती है, यहीं पर डिवाइन उन्हें उस अनकंडीशनिंग लव को, उस सच्चे प्रेम को उसके सामने लाते हैं। और जब वो उसे याद करते हैं तो निश्चित ही उनको अपनी डीएफ ही दिखाई देती है। तो ये कहना कि डीएम हमें भूल गए, ये बात गलत है, क्योंकि डीएम और डीएफ एक दूसरे को कभी भूलते ही नहीं। डीएफ इस बात को शो कर देती है लेकिन डीएम इसे शो नहीं करते। कुछ समय के लिए वो थर्ड पार्टी में चले भी जाएं, लेकिन उसके बाद जब उनके अवेकनिंग करवाई जाती है तो सबसे पहले उन्हें डीएफ की याद ही आती है, क्योंकि वो कभी उसे भूले ही नहीं होते। तो प्रियो, डीएम और डीएफ बहुत ही पावरफुल एनर्जी है और दोनों इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो आप अपनी साधना पूरी कीजिए, अपनी जर्नी को पहले पूरी कीजिए, क्योंकि आपकी जर्नी से आपके ट्विन की जर्नी जुड़ी हुई है। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।